हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मेरे चैनल टेक्निकल एस के जोशी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जियो का फ़ोन है मेरे पास। जियो का मॉडल है ये, आप देख सकते हैं। जियो का ये है F19M ब्लैक। फ्रेंड, इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम आ रही है, इसको कितना ही चार्ज लगा के रख दो फ्रेंड, ये चार्ज नहीं हो पा रहा है। इसको सारे चार्जरों में लगा के देख लिया है, ये चार्ज नहीं हो पा रहा है। चार्जिंग शो कर रहा है बट चार्ज नहीं हो पा रहा है फ्रेंड। तो इसके लिए हमको क्या करना है फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ, दो तीन स्टेप दिखा देता हूँ फ्रेंड। आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा काम है इसमें, उससे हो जाएगा क्लियर। सबसे पहले तो फ्रेंड आपको थोड़ा सा पेस्ट लगा के और इसको क्लियर कर देना है। चार्जिंग सॉकेट के फ्रेंड ये जो आते हैं पॉइंट, इन पॉइंटों में कभी कभी पानी लग जाता है, नमी आ जाती है, डस्ट लग जाती है, तो फ़ोन हमारा चार्ज नहीं हो पाता है। बट बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि चार्जिंग आईसी की प्रॉब्लम है, ये है। फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले आप ये वाला काम करके देखो। हम इसको अब साफ़ कर लेते हैं फ्रेंड। ये वाला काम करने के बाद हम पहले फ़ोन को चार्ज करके देखें, उसके बाद भी अगर चार्ज फ़ोन नहीं हो पा रहा है तो फिर हम चार्जिंग आईसी चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। बट डायरेक्टली चार्जिंग आईसी चेंज नहीं करना चाहिए, पहले पूरे फ़ोन को चेक कर लें अच्छे से, व्यवस्थित तरीके से, उसके बाद हम चार्जिंग आईसी चेंज करें तो बेटर रहेगा। तो फ्रेंड पहले हम इसको साफ़ कर देते हैं। इधर से मैंने साफ़ कर दिया है, इधर से थोड़ा बहुत पेस्ट या कुछ लगा होगा तो ये भी क्लीन हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको भी मैं थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ फ्रेंड। सबसे मेन चीज़ क्या है कि फ़ोन को साफ़ करना ज़रूरी है। ये कस्टमर मना कर रहा था, फिर भी वाटर डैमेज है, इस पर थोड़ा सा पानी लगा हुआ है, इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगा के, और फ्रेंड इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। बैटरी कनेक्टर को कभी कभी ये होता है कि फ्रेंड बैटरी कनेक्टर पे अगर थोड़ा सा पानी लग जाए तो भी चार्ज नहीं हो पाता है, क्योंकि करंट जितना वोल्ट फ्रेंड उसको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए हम इसको भी पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो मैंने बैटरी कनेक्टर को क्लियर कर लिया है, अब इसको हम साफ़ कर लेते हैं एक बार और। थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है बट इसको भी हम पूरा क्लियर कर देंगे। और फ्रेंड क्लियर करने के बाद क्या है, ये हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें फ्रेंड दो डायोड आते हैं छोटे से, जो वोल्ट चेक करने का काम करते हैं। ये बैटरी कनेक्टर के साइड में लगे हुए रहते हैं, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये डायबोर्ड अगर थोड़े से ब्लैक हो जाए या काले पड़ जाए तो इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड इसको भी आप क्लियर तरीके से पहले साफ़ कर लें, मैंने तो वैसे कर दिया है। अब हम फ़ोन को फ्रेंड चार्ज करके लगा के देखते हैं। पहले मैं इसकी ये डब्बी लगा देता हूँ नेटवर्क की और स्पीकर की। ये डब्बी लगाने के बाद हम इसको चार्ज करके देखेंगे, ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है फ्रेंड। तो चलिए मैं वीडियो का थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैं ये चार्ज लगा देता हूँ और चार्ज लगा के आपको दिखा देता हूँ ये कितने परसेंट है। अभी ये देख सकते हैं आप, ये चार्ज हो रहा है, ये 31% है। अभी वीडियो को मैं थोड़ा सा और स्किप करके आपको दिखा देता हूँ, 31% है, थोड़ी देर लगा रहेगा, उसके बाद देखते हैं कितना होता है। वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ, ये देख सकते हैं फ्रेंड 32% हो चुका है, इसका मतलब फ़ोन हमारा चार्ज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो फ्रेंड इस तरीके से आप अपना फ़ोन क्लियर कर सकते हैं, उसमें आईसी वाईसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने क्लियर करा है बस, और फ़ोन हमारा चार्ज हो गया। तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में।